गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध कर रहे छात्रों ने आखिर एक बड़ा फैसला ले लिया और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन रोहतक पीजीआई की वो भी इनके समर्थन में आ गई है। बड़ा फैसला ये है कि अगले 48 घंटे तक ओपीडी और वार्ड तथा इलेक्टिव सर्जरी में कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर शिरकत नहीं करेगा। यह आप देखिए कि इस समय हम चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी है, चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस स्टूडेंट जो है वो अपनी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं उनके हाथ में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में अलग अलग बैनर हैं और पिछले 24 दिनों से इनकी ये हड़ताल चल रही है। हालांकि अब से पहले सिर्फ नारेबाजी करते थे और अपनी मांग रखते थे, लेकिन जब सरकार ने मांगे नहीं सुनी, बार बार ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाए और इस बॉन्ड पॉलिसी में जो भी प्रावधान है उनको तुरंत वापस लिया जाए, तो वो इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात ना कराने की मांग पूरी ना होने के चलते फिलहाल 48 घंटे के लिए ओपीडी और वार्ड सर्विसेज और इसके अलावा इलेक्टिव सर्जरी को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन साथ ही चेतावनी ये भी दी है कि अगर 48 घंटे बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इमरजेंसी और जो ट्रामा सेंटर सर्विसेज हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। तो अभी फिलहाल देखिए कि किस तरीके से ये गेट है और ये अंदर ओपीडी सेंटर है जहां पर रोहतक पीजीआई में हर रोज़ लगभग 5000 के करीब ओपीडी होती हैं। अभी हम कुछ डॉक्टर से भी बात करते हैं, जो स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं कि ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा की सर्विस और इसके अलावा वार्ड सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरी रोक दी हैं, क्यों उठाना पड़ा? से जो हायर अथॉरिटीज हैं वो हमारी बातें सुने और हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचे। तो अभी आप लोगों ने 48 घंटे का टाइम दिया है, अगर 48 घंटे में भी आप लोगों की मुलाकात नहीं होती है तो क्या रहेगा सर? इसके बाद अभी तक हमारी आरडीए, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो सोचा है 48 घंटे में ओपीडी इलेक्टिव सर्विस के बाद इमरजेंसी सर्विसेज से वो अपनी सेवाएं देने से मना करेंगे। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जो इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए वार्ड ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी में पार्ट ना लेने का फैसला लिया, उससे कहीं ना कहीं पीजीआई में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से सूर्या समाचार, दीपक भारद्वाज। तो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार एमबीबीएस के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ है। दीपक, भूख हड़ताल पर एमबीबीएस के छात्र बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रखे हैं, अभी तक का क्या अपडेट है, क्या उनका कहना है, कब तक इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे? अर्चना देखिए, क्योंकि ये पिछले 24 दिन से हड़ताल कर रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जी। और अभी फिलहाल इन्होंने 48 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं, वार्ड सेवाएं और इसके अलावा इलेक्टिव सर्जरी उनको भी ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि आरडीए के जो आरडीए है उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है और आरडीए काफी अहम रोल अदा करते हैं ओपीडी सेवाओं में। तो कहीं ना कहीं मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पीजीआई में चरमराई हुई हैं। फिलहाल ये ओपीडी के सामने बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि मुख्यमंत्री से इनकी बात करा दी जाए और जो भी खामियां हैं बॉन्ड पॉलिसी में उनको तुरंत वापस लिया जाए। तो और 48 घंटे के बाद और बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं और वो इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। तो 48 घंटे का समय है और 48 घंटे बाद और भी हालात रोहतक पीजीआई में खराब हो सकते हैं। तो दीपक, जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए उनको वापस भेजा जा रहा है।